कार्यक्रम हुआ है, बड़ा उत्सव का माहौल है यहाँ पर, क्या संदेश दिया गया है? जैसे कि आपके माध्यम से मैंने पहले भी बताया था, ये बिरादरी का मंच है और आज जिले से, देश के कोने कोने से और विदेशियों से सभी जाट बिरादरी के भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं। सब माताएं हैं, बहनें, जैसे आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी, और एक जन सैलाब है। और ये सिर्फ ये मैसेज देना है कि हम एक छत के नीचे अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं, अपने भाइयों का सम्मान कर रहे हैं और एक दिन बिरादरी के नाम दे रहे हैं जिसमें कि हम सब एक हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे की बात जान रहे हैं और जो भी समस्या है जिसके माध्यम से सॉल्व होगी वो सॉल्व करेंगे। एक बहुत अच्छी बात निकल गई है, सभी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता सभी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिरादरी का मंच है, पहले हम जाट हैं तो जाट एक मंच पे रहेगा, कोई कहाँ किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो जाट है तो जाट इस बिरादरी के मंच पर बैठेगा। कुछ मुद्दे भी ऐसे उठ के आए, तो क्या क्या मुद्दे हैं वो थोड़ा सा बताएं। जाट आरक्षण का मुद्दा है, मेरठ में मेरठ में एक स्टेशन का नाम चौधरी साहब के नाम पर रखा जाए, ये हमारी पहल रहेगी कि मेरठ में बेगमपुर स्टेशन या कोई सा भी स्टेशन चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाए। जाट आरक्षण में जितनी भी हम सरकार में हैं, अपने ऊपर मोदी जी होगी जितने, बात पहुँचाएंगे कि बिरादरी को आरक्षण दिया जाए। और संदेश यही था कि हम किसी भी कोने में रहें, किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहें, जाट के नाम पर हमें एक रहना है और एक रहना है। आज जो कार्यक्रम हुआ है, बड़ा उत्सव का माहौल है यहाँ पर, क्या संदेश दिया गया है? जैसे कि आपके माध्यम से मैंने पहले भी बताया था, ये बिरादरी का मंच है और आज जिले से, देश के कोने कोने से और विदेशियों से सभी जाट बिरादरी के भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं। सब माताएं हैं, बहनें, जैसे आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी, और एक जन सैलाब है। और ये सिर्फ ये मैसेज देना है कि हम एक छत के नीचे अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं, अपने भाइयों का सम्मान कर रहे हैं और एक दिन बिरादरी के नाम दे रहे हैं जिसमें कि हम सब एक हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे की बात जान रहे हैं और जो भी समस्या है जिसके माध्यम से सॉल्व होगी वो सॉल्व करेंगे। एक बहुत अच्छी बात निकल गई है, सभी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता सभी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिरादरी का मंच है, पहले हम जाट हैं तो जाट एक मंच पर रहेगा, कोई कहाँ किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो जाट है तो जाट इस बिरादरी के मंच पर बैठेगा। कुछ मुद्दे भी ऐसे उठ के आए, तो क्या क्या मुद्दे हैं वो थोड़ा सा बताएं। जाट आरक्षण का मुद्दा है, मेरठ में मेरठ में एक स्टेशन का नाम चौधरी साहब के नाम पर रखा जाए, ये हमारी पहल रहेगी कि मेरठ में बेगमपुर स्टेशन या कोई सा भी स्टेशन चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाए। जाट आरक्षण में जितनी भी हम सरकार में हैं, अपने ऊपर मोदी जी होगी जितने, अपने बात पहुँचाएंगे कि बिरादरी को आरक्षण दिया जाए। और संदेश यही था कि हम किसी भी कोने में रहें, किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहें, जाट के नाम पर हमें एक रहना है और एक रहना है।